बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मलाइका व्लॉग्स एंड फूड। कैसे आप सब? उम्मीद नहीं इस यकीन के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ रहें। और ये संडे की रूटीन है, ये हम गए थे ऊपर छत पे शाम के टाइम, बादल बने हुए हैं ऊपर, एकदम बारिशों की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है दरख्त की, बस एक ही दरख्त हमारी इधर छत से नज़र आता है और बादल सारे ग्रे टाइप के हुए हैं। वैसे भी शाम का टाइम हो गया हुआ है। ऊपर जाके हमने असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, मैंने, मलाइका ने और इसकी सिस्टर ने, और फिर मलाइका थोड़ा सा खेली भी। और ये बादल देखें, बारिश का भी कोई पता नहीं होता। अब नीचे आके मलाइका ने नीचे ड्राइंग की है, इसके पास गत्ता सा पड़ा हुआ था वो इसने कटिंग की है, एच बनाया है इसने अपने भाई का नाम। इसके भाई का नाम है हसन, हसन अली, और इसने ये अब उसमें कलर कर रही है। बस संडे ऐसे ही गुजरता है बच्चों का, कभी कुछ कर लिया और कभी कुछ कर लिया। और ये साथ साथ मैं तस्बीह कर रही थी, ऊपर से नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की भी और साथ साथ तस्बीह कर रही हूँ मैं, और मलाइका अपना कर रही है काम, ड्राइंग कर रही है अपनी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल का व्लॉग्स एंड फूड। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मैं भी ठीक हूं। तो गाइस, ये मैं ड्राइंग कर रही हूं। मैंने ये अपनी जो बैटरी मार्कर ली थी, तो अब मैं उससे यानी के कर रही हूं। गत्ते में सारे जो हमारे पास एक बड़ा सा कार्डबोर्ड था उससे मैंने सारे काट किया, और अब ये मैं पालक काट रही हूं। ये देखें कि क्या नाम लेते हैं, आज हमने पकाया आलू पालक, और अब जो मैं काट रही हूँ अभी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अभी थोड़ी सी मैं काटना शुरू हुई हूँ। और यानी कि ऊपर से आते साथ ही पहले मैंने ड्राइंग की, फिर उसके बाद पालक काटने बैठ गई, फिर अब मैं थोड़ा सा यानी कि अब मैंने दूसरी इकट्ठी पकड़ी है, अब मैं उसको काट रही हूँ। मलाइका की भी फ्रेंड है जो हमारे घर में रहती है, वो इसे बना बना के गठियाँ देती जा रही थी, और मैं फिर काट रही थी क्योंकि गाइस मुझे गठियाँ काटनी नहीं आती, तो फिर इसलिए वो मुझे काट के दे रही थी और मैं काटी जा रही थी। अब ये उसने यानी कि दूसरी के रख दी है, गठियाँ बना के दे रही थी और आप काट रही थी। हाँ, ये कहते हैं वही। और तो गाइस ये कारण मिलती है, काटते काटते मेरा नाखून भी साथ साथ टूट गया था, आधा नहीं आने का आधे से कम, और अभी मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि कहने की हद नहीं। संडे के टाइम तो उस तक गुजरता कि पता ही नहीं चलता कि किस तक चला गया संडे का टाइम। गाइस काटी अब मैं पालक कितनी रात के बाद में पक्की इतनी सी निकली क्योंकि वो सारी ग्राइंड होके मिक्स वगैरह होके तो इतनी सी बन जाती है ना, तो फिर इसलिए और इतनी ये सख्त थी ना कि कहने की हद नहीं थी, इतनी मुश्किल से कि ये कटरी जा रही थी। और हालांकि ये थोड़ी सी तेज़ छुरी है लेकिन तब भी इतनी मुश्किल से कटरी थी कि कहने की हद नहीं। और ये क्या नाम लेते, ये मैं काटी जा रही हूँ मैं रुकने का सांस ही नहीं ले रही। और ये मैं टोकरी में काट रही हूँ, ये कहना रहती है काफ़ी ज़्यादा पालक पड़ी हुई है, और अभी थोड़ी देर तो हुई है कि मैं काट रही थी। आज इसकी सिस्टर और इसके भाई की फरमाइश थी कि आलू पालक पकाओ, इसलिए फिर आलू पालक बल्कि पालक काम पार गई, फिर और मंगवाई है, फिर वो भी काटी। और ये कपड़े देखें पीछे सोफे पे बखेरे हुए हैं क्योंकि ड्राई करने के लिए फिर छत पे डालने मुश्किल हो जाते हैं, इधर पंखे की हवा लगती रहती है इस वजह से। और ये मलाइका ने छुरी भी अपने नाखून को लगा ली थी, और उससे अब मैंने नाखून सारा इसका नेल कटर से उतारा है, वो अंदर तक चली गई थी, और उसके ऊपर पॉलीफेक्स लगाई है। ये देखें मुझे नाखून अपना दिखा रही है, ऊपर से उतर गया,
इसे मैं कहती हूँ प्लेट में रख के कट कर लिया करो, मगर ये अपनी तरफ से बड़ी बनती है। ये आलू छील रहे हैं अब इसमें डालने के लिए। वो धनिया मलाइका ने काटा है प्लेट में। गाइस धनिया मुझे इतना अच्छा सा काटना नहीं आता, बस जिस तरह का मैंने काटा है तो काट दिया। और अभी मैं फिर के कमरे में जा रही हूँ, वो कल वाले मेरे जो मैंने कपड़े डाले हैं वही पड़े हुए हैं। और ये हमने सारा पहले मसाला वगैरह पका लिया था, उसके अंदर प्याज टमाटर जो भी डालते हैं वो हमने पहले कर लिया था, उसके अंदर फिर हमने आलू डाल दिए। और ये मैं ये हमने पाला है उबाल के ग्राइंड करके प्लेट में निकाल दी है। जो गर्म लेती है इतनी पतली पतली लगती थी, वैसे पतली लगती है। और अभी ये कैरम लेते हैं, इसको मैं हला रही हूँ। इसका कैरम लेते हैं, अभी डाला था ना तो कच्चे तो आलू रह नहीं थे, लेकिन काफ़ी देर लगी थी आलू को तो तब ये पके थे। और मैंने गैस जो है वो मैंने आधी की वो की हुई है, यानी कि हल्की की हुई है, क्योंकि मुझे तेज़ आग से डर लगता है। और ये मेरे भाई के लिए नूडल्स पके थे। और ये मैं आप लोगों को फिर से पहले दिखा रही हूँ, इसके अंदर से बस थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा था, लेकिन जब ये पक गई थी ना तो तब ये बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। और ये वो हमने घी का पैकेट उसके अंदर डाल थे ना, डोंगे के अंदर थोड़ा सा बच गया था, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। और ये आलू को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैं इस तरह था कि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं चम्मच आटे हिला रही थी, और हालांकि मेरा नाखून भी नहीं ठीक था तो, लेकिन मैंने कर लिया। और ये देखें ये मैं हूँ, इतनी मुश्किलों से ये मैंने इसका हांडिका किया ना, क्योंकि एक हाथ से मैं चम्मच ही कर रही थी। नहीं गाइस ये मेरा अपना शौक है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी तो इसलिए फिर पास तो करवाना पड़ता है। वैसे मम्मा भी बना लेती हैं, लेकिन अब मम्मा बाथरूम में गई हुई थी, मम्मा ने कहा था कि तुम सासा वीडियो बनाओ, सासा चम्मच चलाती रहो। ये मैं पालक को मैं उसको उधर ही छोड़ दिया था, और मैं पालक साथ खेल रही थी, यानी कि उसको गोल गोल घुमा रही थी प्लेट को। जाना तो आपके पास थी, हमने आपको अकेले नहीं किचन में छोड़ा। हाँ मैं अकेली नहीं रही थी किचन में, यानी कि अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना हांडी वगैरह की है ना, तो भी मेरे पास कोई ना कोई होता ही है। और ये देखिए ये मैं हूँ, ये फार्म बाजू वाले मेरे कपड़े थे, हालांकि इतने पहले लंबे होते थे मेरे बाजू, लेकिन अब छोटे हो गए हैं क्योंकि मम्मा कहती है तुम्हारा कद ज़्यादा निकल आया अब। और ये मैं हलाई जा रही हूँ, चम्मच हलाई जा रही हूँ लेकिन अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और आलू के अंदर हमने पानी डाल दिया। और क्या नाम लेते हैं, अभी थोड़ा सा और पानी डाल दिया। और वैसे आप लोग अपनी अगर हमने नमक मिर्च डाल दी थी पहले जी डाल दी थी। आप लोग हमने डाल दी थी, आप लोग वैसे अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अभी ये हमने पालक डाल दिया, अब मैं इसको हला रही हूँ, अच्छी तरह हला रही हूँ। और मैंने गैस हल्की की है क्योंकि मैं डर लगता है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसने टेस्ट कर दी थी, और फिर मैंने दोबारा आस्था की, मैंने कहा नहीं मुझे डर लगता है। और क्या नाम लेते हैं, मैं पालक को हलाई जा रही हूँ बस फिर मैंने थोड़ा सा तेज किया कि इसको बल है, और मैं ढक्कन रख के फिर अंदर जाऊँ, लेकिन तब भी मैं इतनी रेट हूँ, मैं हलाई जा रही हूँ चम्मच हलाई जा रही हूँ, क्योंकि मैंने फाड़ी खड़ी होने का करना गया था। और मम्मा ने अलग कहा था कि एक दफ़ा चम्मच में आट के पास उसका लाना, लेकिन मैंने हलाई गई क्योंकि मैंने उसके पास खड़े होकर करना क्या था। ये देखे, और मैं इतनी यानी कि ना मेरा नाखून टूटा हुआ था, वो नाखून वाले हाथ से मैं जो मेरा नाखून टूटा हुआ था उस हाथ में मैं वीडियो बनाई थी, एक हाथ से चम्मच मारी थी, गैस मैंने उसके अंदर रखी हुई है, यानी कि गैस वो रखी हुई है मीडियम पतीली के अंदर रखी हुई है, ताकि मैं सड़ ना जाऊँ। और मम्मा भी कहती है कुर्सी लेके थोड़ा सा पीछे खड़ा हो जाया करो, सड़ जाओगी। लेकिन अभी मैं घर के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि गैस में एकदम से भाग हो जाता था, हमारा चूल्हा नहीं ठीक ना, तो तब फिर गैस का अगर दो चूल्हे चलाए तब होते, कभी कभार एक में भी हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ी इसमें उतर के मैंने फिर से पीछे की थी चेयर, फिर मुझे याद आया हमारे घर में के साथ ना खड़ी होया करो, अगर सड़ गई तो क्या करोगी फिर। और अभी देखिए मैंने आगाइस्ता कर दी है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब इसको बस उबाले आने का मैं वेट कर रही हूँ, इसको आ ही नहीं रही, उबाले आने का नाम ही नहीं ले रहे, आने का नाम ही नहीं ले रहे।
ये देखिए गाइस थोड़े थोड़े आ गए थे ना, मैंने आगाज था कि वो फिर से चले गए वाले, लेकिन मैंने फिर तब भी रख लिया उसके ऊपर। ये देखिए रख दिया, ये देखिए यहाँ पर हमारी आलू पागल तैयार हो गई। ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाने में। मैंने बाजार की रोटी के साथ खाई थी, तो कैसे मिलते पसंद आएगी तो मैं चले को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बहुत ख्याल रखिएगा।